एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम सब चलने वाले हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के दर्शन करने के लिए। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, आरके आश्रम मार्ग और पटेल चौक रहने वाला है। यहाँ से आप पैदल या बाई ऑटो के थ्रू आ सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और यहां के गेट नंबर 7 से एग्ज़िट करेंगे। और एग्ज़िट करने के बाद आप पैदल भी पहुंच सकते हैं या फिर ऑटो रिक्शा कर सकते हैं। तो फाइनली एग्ज़िट कर लिया है, अब चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की तरफ और दर्शन करवाते हैं बढ़िया से। गुरुद्वारा जा रहे हैं, मज़ा आएगा। तुम भी जाते हो फिर। और ये देख सकते हैं चरखा म्यूजियम है यहाँ पर, और गेट नंबर 7 यहाँ से एग्ज़िट किया है। अब चल रहे हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग पे, इस तरफ चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बसा हुआ गुरुद्वारा बंगला साहिब सबसे पवित्र और उत्तम स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर 24/7 लंगर सेवा चलती रहती है। गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए परिधान का विशेष ध्यान रखें। और ये आ चुका है जोड़ा घर, यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह सबमिट कर चलते हैं। ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब का एंट्रेंस, और यहाँ तक पहुँचने के लिए दो द्वार लगते हैं, एक सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की तरफ से और दूसरा आता है जयसिंह रोड की तरफ से। गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही सुंदर पवित्र सरोवर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर में देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं, जिसके अंदर ब्लैक कलर की बहुत सारी हैं और कुछ मछलियाँ कलरफुल हैं जो देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें। ये देखो ये आ गई कलरफुल मछली, और ये छोटी छोटी मछलियाँ भी बहुत सारी हैं इसमें। सरोवर में स्नान करने के लिए महिला और पुरुष घाट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं। सरोवर के पास से देखो गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरफ है लंगर घर प्रसादा श्री वाहेगुरु। तो चलिए अब हम सब चलते हैं लंगर चखने। लंगर हॉल में जाने के बाद शांति से बैठें और उतना ही प्रसाद लें जितना आप खा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का गुरुद्वारा बंगला साहिब का ब्लॉग, और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें।